शुक्रवार को खनन विभाग की छापेमारी में पकड़ी गई एक ही नंबर की दो हाईवा के मामले में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने एक बेबाक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिले में कोयला चोरी एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के तहत हो रहा है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही इस क्राइम पर लगाम भी लग जाएगा। वही अब तक एक ही नंबर की दो हाईवा के मामले में कोई प्रगति भी नहीं हुई है। देखिए एक रिपोर्ट। राम और श्याम देखी होगी, सीता और गीता भी देखी होगी, किशन कन्हैया भी देखी होगी, जुड़वा भी देखी होगी। इन सब फिल्मों में या तो हीरो डबल रोल में थे या फिर हीरोइन। पहली बार आपको डबल रोल वाली गाड़ियां दिखाते हैं। देखिए गाड़ी नंबर JH04L9377। इस गाड़ी में कोयला लोड था, लेकिन इसको जिधर जाना था उसकी जगह उल्टी दिशा में जा रही थी और खनन विभाग ने पकड़ा। अब इसका डबल रोल देखिए, दूसरी जगह खड़ी हाईवा नंबर वही है JH04L9377। है ना जुड़वा, या यू कहे है ना गोलमाल। खनन विभाग ने BCCL के पोथरडी, कोलवाशरी और लोदना एरिया प्रबंधन से 24 घंटे में जानकारी मांगी थी, लेकिन जानकारी मिली नहीं। इशारा साफ है, खेल बड़ा है। कोयले के इसी खेल पर जब सवाल झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से पूछा गया तो उनका जवाब मिला, सुन लीजिए। ये गिरोह है कोयला चोरी करने का, जो इनका एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने में, क्योंकि आपको पता होगा कितने ही आउटसोर्सिंग की कंपनियां यहाँ हैं, उनके भी जो थे प्रोपराइटर वो रो रहे थे यहाँ पर कि भाई हमने दिया, हमारी गाड़ियां गायब हैं, उनके नंबर प्लेट बदल दिए जा चुके हैं, किसी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रशासन हर संभव प्रयास करता है, लेकिन एक ही समय में दो नंबर की गाड़ियां अगर दो जगह पकड़ी जाती हैं तो आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। और एक गाड़ी नहीं, बहुत सारी गाड़ियां होंगी ऐसी, और एक बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है ये कोयला चोरी का प्रयास जो है करते हैं। प्रशासन हर संभव प्रयास करता है कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्राइम को दूर करने में थोड़ा सा समय लगता है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल इसके लिए लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। आपको पता है अभी छापेमारी कितनी जगह हो रही है, अभी आपको जीनागुड़ा में मेरे ख्याल से वहां पर पकड़ा गया है, रैक की जो खबर थी उसको दिया गया है कि इसको कितने गलत तरीके से जो है ये लोग कर रहे हैं, तो छापेमारी हो रही है। निश्चित तौर पर छापेमारी होगी तो लोगों पर जब कार्यवाही होगी तो लोग रुकेंगे ही। इन सब के बीच विधायक महोदया से सवाल हुआ कि मैडम चर्चा में तो आपका भी नाम हो रहा है, तो जवाब भी सुन लिया जाए। चर्चा करने वालों से पूछिए कि उनका क्या है, जब वो ठीक है आप बोलिए ना कि चर्चा करने वालों से पूछिए कि उनका क्या है, जो लोग चर्चा करते हैं पहले उनसे पूछिए, बाद में हम जवाब देंगे। अब गोलमाल के खिलाफ सब सख्त है, लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है कोई समझ नहीं पा रहा, और खेल लगातार होता जा रहा है। इस खेल पर रोक लगी कैसे, सबको सोचना चाहिए। धनबाद से न्यूजीलैंड भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।